हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि इस चैनल पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मिलते रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को काउंसलिंग में कोई डाउट ना हो, तो और एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड भी करना चाह रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको अगर काउंसलिंग से कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको काउंसलिंग में, तो उसके लिए आप अगर कुछ पूछना है तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं हमको। करीब 250 स्टूडेंट्स से हम रेगुलर कॉन्टैक्ट में अभी काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोनों इंस्टाग्राम का भी और टेलीग्राम का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहां से पूछ लीजिएगा। वो है चंदूलाल चंद्रकार मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दुर्ग। दुर्ग का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसका कट ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राउंड वन में कोई कट ऑफ इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि चंदूलाल चंद्रकार मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो दुर्ग का है, इसका जो अलॉटमेंट शुरू हुआ था वो सेकेंड राउंड से ही इसमें लास्ट ईयर मतलब एडमिशन हो रहा था। फर्स्ट राउंड में ये इसमें अलॉटमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए सेकेंड राउंड का ही कट ऑफ सिर्फ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यू आर के फीमेल कैटेगरी के लिए राउंड टू में, क्या राउंड टू का ही हुआ ही था तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे उन्हीं का उसी का कट ऑफ है। तो ये 58,566 पे था। यूएन रिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए आपका 63,000 पे हुआ था एंड स्कोर था 528। ओबीसी कैटेगरी के लिए 71,592 पे एडमिशन हुआ था लास्ट अलॉटमेंट जो है, और स्कोर था उनका 517 स्कोर था। ओबीसी फीमेल के लिए 70,000, देख सकते हैं। फिर फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ मेल कैटेगरी से ज्यादा जा रहा है, आपका 519 मार्क्स पे हुआ था। अनरिजर्व सैनिक कैटेगरी, हाँ तो ये याद रखिएगा, ये जो यूआरएस है यहाँ पे सैनिक कैटेगरी मतलब जिनके भी रिलेटिव फैमिली मेंबर जो है आर्म्ड फोर्सेस में, उनके लिए कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कट ऑफ था 1,40,000 के करीब था। ईडब्ल्यूएस में आपका 1,21,000 था, स्कोर था 455। एससी कैटेगरी के लिए 1,69,000 था, जो स्कोर था उनका 408 था। ठीक है, 408 एंड एससी फीमेल के लिए 1,55,000 था 985 पे, एंड जो स्कोर था वो 420 पे था। ठीक है, एसटी फीमेल जो है था 2,69,824 पे था एंड जो उनका स्कोर था 331 पे था। ठीक है, एसटी कैटेगरी के लिए जो है 2,87,320 पे लास्ट एडमिशन हुआ था। तो इसी के साथ ये चंदूल मतलब दुर्ग का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टेट का कट ऑफ यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद चंदूलाल चंद्रकार मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दुर्ग। तो ठीक है, दुर्ग का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे कैटेगरी है राउंड वन का, राउंड टू का, राउंड मॉपअप राउंड का। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि राउंड वन में कोई कट ऑफ इसलिए नहीं दिया गया कि चंदूलाल चंद्रकार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दुर्ग का जो है इसका एडमिशन जो है आपका सेकेंड राउंड से ही स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर। ठीक है, इसीलिए राउंड वन में कोई अलॉटमेंट आपको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक है, मार्क्स है। चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको समझने के लिए आपको एक बात समझना होगा कि जो है कंपैरिजन आपको देखना होगा कि 2023 में और 2022 में क्या कट ऑफ का डिफरेंस था, मतलब कि मार्क्स वर्सेज रैंक में क्या डिफरेंस आया इस साल, उसको अगर आप समझ लेंगे तो फिर कट ऑफ का हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो हो गया है, ये देखिए ये नीट 2023 का यहाँ पे मार्क्स दिया गया, यहाँ पे रैंक दिया गया, नीट 2022 का यहाँ पे मार्क्स और रैंक दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए कि जो है आपका यहाँ पे 686 मार्क्स पे, 686 मार्क्स पे रैंक कितना था, 426 मार्क्स था, और वही आपका 686 मार्क्स पे 2023 में आपका 1000 रैंक चला गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितना 600 रैंक बढ़ गया है, मतलब सेम मार्क्स रैंक अचीव करने के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स का ज़रूरत पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 650 मार्क्स पे आपको 4500 रैंक था, जबकि ये आप इस 2023 में आपका 7200 चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 3K का रैंक देख रहे हैं, रैंक में इन्फ्लेशन आ रहा है। दूसरा बात आप देख सकते हैं 628 मार्क्स जो था आपका 2022 में 10,000 रैंक था, जबकि यहाँ पे अभी 14,000, यहाँ पे आप देख सकते 4K का इन्फ्लेशन है। 598 जो है आपका 21,000 पे था 2022 में, लेकिन इस साल 9,000 का रैंक में इन्फ्लेशन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 9,000 तक का इन्फ्लेशन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस साल वही रैंक अचीव करने के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स का ज़रूरत पड़ा है। तो आपको सेम रैंक अचीव करने के लिए मतलब 10 to 20 मार्क्स ज़्यादा रैंक मतलब मार्क्स चाहिए था उसी रैंक के लिए। ठीक है, तो अगर सेम रैंक के लिए 10 से 20 नंबर ज़्यादा चाहिए था तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कट ऑफ भी 10 से 20 नंबर ज़्यादा जाएगा, बट इतना आप लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 10 से 20 नंबर कट ऑफ नहीं ज़्यादा जाएगा, खासकर छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए तो बिल्कुल नहीं जाएगा। कारण बताते हैं क्यों, क्योंकि टोटल आपका 10 स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसमें से आपका जो 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना, उसमें आपका सीट इंक्रीज हुआ है इस साल।
तो ये आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट है, जिसके वजह से कट ऑफ आपका 15 से 20 नंबर आगे नहीं जाने वाला है। तो कौन कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंक्रीज हुआ है आपका? रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और रायगढ़। तो सब ये जिनका इनका नाम बोले हम, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और रायगढ़, तो इसमें जो है आपका 50-50 मतलब 50-50 सीट इंक्रीज हुआ है। तो टोटल कितना सीट इंक्रीज हुआ आपका? स्टेट में आपका 200 सीट इंक्रीज हुआ है। तो इसके वजह से आपका कट ऑफ इतना ज़्यादा जाने वाला नहीं है। अगर बहुत अगर ज़्यादा जाएगा तो इस हिसाब से लास्ट ईयर जितना रैंक पे एडमिशन हुआ है या तो आपका जो है 3-5 मार्क्स का शायद इतना ही इंक्रीज करेगा, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो 3-5 मार्क्स ही इंक्रीज करेगा, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ इंक्रीज नहीं करने वाला है। तो आपका आपको घबराने का जरूरत नहीं है, उतना कट ऑफ इंक्रीज नहीं करेगा। आप जितना भी लास्ट ईयर का कट ऑफ था उसमें 3-5 नंबर जोड़ दीजिएगा, उतना ही इंक्रीज करेगा, 10-20 नंबर नहीं इंक्रीज करेगा। तो डरने का बात नहीं है, काउंसलिंग में जरूर पार्ट लीजिए, मे बी आपको कॉलेज मिल जाए अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं। तो अगर बॉर्डर लाइन पे है तो साथ साथ आप पढ़ाई भी करते रहिए और काउंसलिंग में पार्ट जरूर कीजिएगा। इस डर से नहीं कि कॉलेज नहीं मिलेगा, काउंसलिंग में अगर आप बॉर्डर लाइन पे तो पार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कट ऑफ का खत्म होता है। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम में हमसे पूछ सकते हैं। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।